पर तलाक कानून को खारिज करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और सिलचर से सांसद सुष्मिता देव जब सत्ता में आने के बाद ट्रिपल तलाक बिल को खारिज करने का दम भर रही थी, उस वक्त केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली अमेरिका में अपना इलाज करवा रहे थे। जेटली को कांग्रेस सांसद की ये बात इतनी चुभी कि उन्होंने अमेरिका से ही निकाह हलाला और ट्रिपल तलाक पर एक चुपता हुआ ब्लॉग लिखा। जेटली ने इस ब्लॉग में इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई। जेटली ने अपने ब्लॉग में बरेली में हुए निकाह हलाला की घटना का भी जिक्र किया और लिखा कि ये घटना विवेक को झकझोरने वाला है। दरअसल 7 फरवरी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कांग्रेस ने अल्पसंख्यक अधिवेशन का आयोजन किया था। इसी आयोजन में बोलते हुए सुष्मिता देव ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने ये ऐलान किया कि अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है तो वो ट्रिपल तलाक बिल को खत्म कर देंगी। आसाम में जो आजकल हालात हैं आप लोग देख रहे हैं, एक विभाजन की राजनीति चल रही है। एक ऐसा कानून लाया गया है जो सिटीजनशिप देने के नाम से आसाम में के लोगों में विभाजन का एक माहौल तैयार किया है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं आने देंगे जो संविधान के खिलाफ है। मुझे पूरा विश्वास है राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर, जब तक वो कांग्रेस पार्टी के नेता रहेंगे, इस देश के नेता रहेंगे, हम ऐसे किसी कानून को लागू नहीं होने देंगे इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आप लोगों ने देखा हाल ही में एक ट्रिपल तलाक का कानून आया और उस कानून के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसा काम किया कि मुसलमान महिला को मुसलमान आदमियों से लड़ने का एक, मैं मानती हूँ, माहौल तैयार किया। बहुत लोगों ने हमें समझाया कि ट्रिपल तलाक बिल अगर पास होगा तो महिला का सशक्तिकरण होगा, पर हमने उस ट्रिपल तलाक कानून का विरोध इसलिए किया क्योंकि वो एक और हथियार है, वो एक और हथियार है जो नरेंद्र मोदी जी ने तैयार किया है मुसलमान पुरुषों को जेल में डालने के लिए और थाने में खड़ा कराने के लिए। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी 2019 में और हम इस ट्रिपल तलाक कानून को खारिज करेंगे। अल्पसंख्यक अधिवेशन में सुष्मिता देव के ट्रिपल तलाक को खत्म करने के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री ने जबरदस्त हमला किया। जेटली ने लिखा, दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ट्रिपल तलाक के लंबित बिल को सरकार बनने पर वापस लाने की बात कर रही है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ऐसी ही गलती राजीव गांधी ने शाहबानो के केस में की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर राजीव गांधी ने शाहबानो को त्रासदी और शोषण के गर्त में ढकेल दिया। 32 साल बाद उनके पुत्र भी मुस्लिम महिलाओं को यातना के शिविर में लौटाना चाहते हैं। राजनीति के अवसरवादी अगले दिन की हेडलाइन पर नजर रखते हैं, देश के निर्माता अगली सदी पर नजर रखते हैं। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी 2019 में और हम इस ट्रिपल तलाक कानून को खारिज करेंगे।